मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इंप्रॉपर फ्रैक्शन को देखा था। आज की क्लास से हम लोग एक्सरसाइज 4.22 करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के जो 1-5 क्वेश्चन हैं उन सभी में से मैं आपको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। आप लोग अटेंडेंस करिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग देखेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, कंपेयर कैसे कंपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इसका फर्स्ट का ए है वो हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अपॉन 7, ओके। और दूसरा जो नंबर है उनके पास वो है 6/30। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब में आप लोग जानते हैं जो ऐसे नंबर का आपस में, यानी कि हम कह सकते हैं 4×30। स्टूडेंट 34 लगे थे 52 और 7×6 आई थिंक 7×60। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को प्रोडक्ट को देखा तो पहले वाले का प्रोडक्ट 52 आया, दूसरे वाले का 42। तो क्या स्टूडेंट्स 52 42 के इक्वल टू है? नहीं। तो क्या यह फ्रैक्शन इसके इक्वल होगा? चूँकि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं है तो 4/7 इज नॉट इक्वल टू 6/42। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी नंबर को आपको कंपेयर कर सकते। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास वो है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाई LCM मेथड। LCM मेथड में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन इसमें से करते हैं। उसको देखते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स कंपेयर करना है LCM मेथड से। ओके, LCM मेथड से कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले इस फ्रैक्शन को LCM मेथड से कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं?
पहले इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं, यानी कि क्या कहते हैं हम इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया इधर एलसीएम ऑफ एन एंड एन और नाइन का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, आई थिंक 90 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैंने इधर टेबल में इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। अब फर्स्ट वाला फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम में डिवाइड कीजिए, तो मैंने क्या आपको करना क्या है, 90 को डिवाइड करना किससे, तो क्या आएगा 9, ये 9 आया, इस 9 का आप इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड फर्स्ट वाला फ्रैक्शन निकाला और फर्स्ट वाला फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया 10 टाइम्स, इस 9 को हम लोगों ने ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कराया जो कि 63 को तो स्ट्रिप सेकेंड वाला फ्रैक्शन लेते हैं 4/9, इस 9 से इसके डिनोमिनेटर से आप जो इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या किया इसके न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों से स्टूडेंट्स, तो ये आपके टू फ्रैक्शन नाइन फ्रैक्शन तैयार हो चुके हैं, 63/90 और 40/90 स्टूडेंट्स, तो आप लोग को क्या करना है आप ये देख रहे हैं तो 63 बड़ा है और 42 छोटा है, 63/90 चूँकि ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग एलसीएम मेथड से किसी भी फंक्शन को क्या आई होप आप लोगों को समझ में आए, अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं करना है और फर्स्ट क्वेश्चन आपको 3.8 आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन, कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल, तो इसको कंपेयर करने के आपके दो तरीके हैं, या तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे करते हैं स्टूडेंट्स 3.8 को 4.5 ऐसे ऐसे प्लस जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 5 = 15, जब आपने 8 × 2 किया तो कितना आया स्टूडेंट्स 8 × 2 = 16, तो आप लोग स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं 3/5 इसका स्मॉल फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स ये छोटा होगा किससे, हम लोग ये कह सकते हैं जो 14 है वो छोटा है किससे 16 से, तो 3/8 एंड स्मॉलर दैन 2/4। ओके फ्रेंड्स
हो आप लोगों को समझ में आ गया हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वो हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और 5 में डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको आप बारी बारी से देख लेते हैं। अब आई होप मैंने आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में बताया भी था कि चलिए एक बार फिर से तो सबसे पहले बार ये तो देखिए अनलाइट फ्रैक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे एलसीएम ऑफ इसके जितने भी डिनोमिनेटर 4, 10, 12 इन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, इन सभी का एलसीएम फाइंड करके बाई वाइज के फ्रैक्शन को लाइट फ्रैक्शन पे चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबको बता 65। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से इसको अरेंज करना स्टार्ट। फर्स्ट फ्रैक्शन मानेंगे, देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर से मैंने इसको डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना है 15 होगा, कितना 60। तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन में अपने इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में 15 से सेकेंड वाला फ्रैक्शन 9/10 में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, इस बार कितना से करना है 10 से, तो क्या है 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 4। नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये लीजिए 5.12, इस बार किससे हमको इसको डिवाइड करना है 12 से, तो 5 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 से 25। लास्ट फ्रैक्शन हम लोग 1.2, 2 से जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप 30, इसको 30 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इस तरह से मैंने इस फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। और जब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में हो जाते हैं तो उनको कंपेयर करना काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको थोड़ा एज कर रहा था कि ये अरेंज कर रहा है। अरेंज करने के लिए अब कुछ भी नहीं, सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा देखिए आंसर 45 वाला नंबर देखिए 45.60, उसके बाद वाला नंबर देखिए 45.60।
60 किसका है यहाँ पे उसका 45 वाला किसका है 3.4
एक्सटेंशन वर्क क्या करना है मॉर्निंग में 32 से 72 जा 14 का 4 एवरी मंथ 73 जा 21 21 और 125 का 5 लोगों ने सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया है। इसके बारे में अरेंज कर दिया उसको अरेंज कर रखिएगा। इसको डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शंस होगा
समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।